दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में ओमिक्रॉन की दशा को देखकर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी पार्क और उद्यान, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्क और उद्यान को पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। मंगलवार की शाम गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रसार और नव वर्ष के पूर्व संध्या तक नए साल में होने वाले आयोजनों तथा सार्वजनिक स्थलों पर संभावित भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में तेजी से पांव पसारने लगा है कोरोना, गया और पटना में एक दिन में मिले इतने संक्रमित। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बुधवार को गया जिले में 6 महिलाओं समेत 50 लोगों की पॉजिटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट ने स्वास्थ्य महकमे को सख्ती में डाल दिया है। दूसरी तरफ पटना में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को 24 घंटे में 26 नए मामले से हड़कंप मच गया है। संक्रमितों में 2 मासूम भी शामिल है। संक्रमण के नए मामलों को लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करके उनकी जांच कराने का काम किया जा रहा है। टीम को अलग अलग एरिया में सैंपल कलेक्शन के लिए लगाया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 10 जनवरी से बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज, तैयारी शुरू, 17 लाख को होगा फायदा। जी हां, बिहार में 10 जनवरी से गंभीर रोगों से ग्रसित 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में 60 से अधिक उम्र के करीब 17 लाख बुजुर्गों को इस श्रेणी के तहत बूस्टर डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को अपनी तैयारियों की जानकारी दे दी है। इसके तहत राज्य में 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों की कुल आबादी के करीब 30% को बूस्टर डोज दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार की फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों को मिलेगी विशेष सुविधा, नीतीश सरकार करने वाली है यह व्यवस्था। जी हां, बिहार के फैक्ट्रियों में काम करने वाले दूसरे राज्यों के प्रवासी कामगारों को विशेष सुविधा मिलेगी। विशेषकर साल में एक बार उन प्रवासियों को घर आने जाने का किराया मिलेगा। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार अलग से एक टोल फ्री नंबर भी रखेगी। श्रम संसाधन विभाग ने अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए यह व्यवस्था की है। विभाग ने कहा कि अगर नियोक्ता दूसरे राज्यों के कामगारों को अपनी फैक्ट्री में रखेंगे तो उन्हें उस श्रमिक को ट्रेन, बस या किसी अन्य यात्री परिवहन माध्यम से रोजगार स्थान से गृह राज्य में उनके निवास स्थान तक आने जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एक मुफ्त राशि देनी होगी। यह राशि ट्रेन में स्लीपर से कम नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश, बिहार में ठंड के बीच बारिश की दस्तक, ठिठुरन भी बढ़ने की संभावना। जी हां, देश के साथ बिहार में भी मौसम ने करवट ले ली है। ठंड के बीच बारिश की दस्तक से ठिठुरन बढ़ गई है। बिहार के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों की बारिश के कारण मौसम पूरी तरह से चेंजर का काम करेगा। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का असर 48 घंटे में पूरी तरह से दिखाई देगा। मौसम ठंडा होने के बाद भी फिर से न्यूनतम तापमान बढ़ गया था। बारिश के कारण फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। अब तेजी से न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी। 48 घंटे बाद से ही बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही बिहार में बारिश के कारण अब शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीपीएससी 67वीं भर्ती में वैकेंसी और बढ़ाई गई, देखिए पदों की अपडेट डिटेल। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त सिविल परीक्षा के तहत पदों की संख्या एक बार फिर से बढ़ा दी है। इस बार वैकेंसी की संख्या में 4 पदों का इजाफा किया गया है। ये पद प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग के है। इस संबंध में बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 67वें में 5वीं बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। अब बीपीएससी 67वें में रिक्त पदों की कुल संख्या बढ़कर 798 हो गई है।
बड़ी खबर बिहार शिक्षा विभाग का ऐलान, शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। जी हां, बिहार में शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने सोमवार को ऐलान किया था कि आने वाले वर्ष के फरवरी महीने के अंतिम हफ्ते में चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि दो दिन पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच फरवरी के तीसरे हफ्ते तक पूरी कर ले। इसके बाद बुधवार को भी नियुक्ति पत्र देने की तारीख जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक सर्टिफिकेट की जांच पूरी नहीं हुई तो इसके लिए वह जिम्मेदार माने जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, नए साल में इस विभाग में होगी बहाली। जी बिहार में सरकारी नौकरी के चार रखने वाले कैंडिडेट के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। आने वाले नए साल 2022 में बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कुल 291 पदों पर बहाली की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पूरी हुई कैबिनेट की बैठक में विभाग के तहत होने वाले इन बहाली के लिए नए पद सृजित करने के एजेंडे पर मुहर लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार ने खोला खजाना, इंटर पास छात्र छात्राओं के लिए 661 करोड़ रुपए किए जारी। जी बिहार के छात्र छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। इंटर पास करने वाले छात्राओं और सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। सामान्य छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति मद में 30 करोड़ और बालिका प्रोत्साहन मद में 631 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जारी की गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2021-22 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25,000 रुपए सरकार देगी। यह राशि सीधा छात्राओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं 9वीं और 10वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए जारी की गई है। बड़ी खबर, बिहार सरकार का नया आदेश, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगी टीचर की रंगीन फोटो। जी हां, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की पूरे दिन उपस्थिति सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने उनकी तस्वीर स्कूल के सूचना पट पर लगवाने का फैसला किया है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक सभी विद्यालयों के सूचना पट पर वहाँ के शिक्षकों की रंगीन तस्वीर लगेगी। तस्वीर के साथ ही उनके नाम, पद नाम और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा होगा ताकि छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक अपने शिक्षकों को पहचान कर सके। साथ ही शिक्षकों के विद्यालयों में नियमित रूप से पूरे दिन की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। अगली बड़ी खबर, सर्दी बुखार में बच्चों को नहीं दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, बड़ों से दूर होगा टीका केंद्र, 5 मिनट में वैक्सीनेशन, 30 मिनट सेंटर पर ही रहना होगा। जी 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन आई है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि बच्चों का टीका केंद्र बड़ों से पूरी तरह से अलग रखा जाएगा। बच्चों को वैक्सीन देने से पहले उनकी सेहत की जांच करनी होगी। सर्दी बुखार से पीड़ित बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 30 मिनट तक सेंटर पर ही रखा जाएगा और ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव प्रशांत भूषण ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सूची तैयार कर 3 जनवरी से वैक्सीनेशन आरंभ कर दिया जाए। बड़ी खबर, नए साल से जेब होगी ढीली, चप्पल जूते और कपड़ा खरीदना होगा महंगा, खाने के बिल पर भी पड़ेगा असर। जी हां, 1 जनवरी 2022 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद कपड़े और फुटवेयर और चप्पल महंगा हो जाएगा। इन बदलावों में ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या रेस्टोरेंट सर्विसेज के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर टैक्स का भुगतान करने का दायित्व शामिल है। फुटवेयर और टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में करेक्शन 1 जनवरी से लागू होगा, जिसमें सभी फुटवेयर पर 12% GST लगेगा, जबकि कॉटन को छोड़कर सभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर 12% GST लगेगा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर द्वारा ऑफलाइन या मैनुअल मोड के जरिए से दी जाने वाली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर छूट जारी रहेगी। जब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं पर 1 जनवरी 2022 से 5% टैक्स लगेगा। वहीं खाने के बिल पर भी असर पड़ेगा। नए बदलाव के बाद स्विगी और जोमेटो जैसे ई कॉमर्स को 1 जनवरी से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाले रेस्टोरेंट सेवाओं पर GST लगेगा। अगली बड़ी खबर, देश के 135 प्रदूषित शहरों में से पहले नंबर पर मोतिहारी। DM ने कहा करेंगे समीक्षा। जी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रदूषित शहरों की जारी की गई सूची में पूर्वी चंपारण जिला का मोतिहारी शहर पहले स्थान पर है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिपोर्ट सामने आया है वह काफी चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार मोतिहारी शहर की हवा काफी जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट साझा किया है उसमें देश के 135 शहरों में सबसे दूषित हवा मोतिहारी शहर की बताई गई है। रिपोर्ट आने के बाद पूर्वी चंपारण जिला के DM ने अधिकारियों को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जमीन मेंटेशन का नया कानून। एक ही प्लॉट को एक से अधिक लोगों को बेचने पर लगेगी रोक। जी हां, बिहार में जमीन विवाद को कम करने के लिए लगातार नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब प्लॉट के नक्शे के साथ मेंटेशन की अनिवार्यता वाला कानून लागू हो गया है। इसके बाद अब जमीन के म्यूटेशन कराने पर आवेदक की याचिका में उनके हिस्से के प्लॉट का नक्शा भी रहेगा। अब एक ही जमीन कई लोगों के हाथों नहीं बिक सकेगा, जिससे मुकदमा और झड़प की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। और अंत की बड़ी खबर, अब CBSE बेटी को देगा स्कॉलरशिप। इकलौती बेटी को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति। ट्यूशन फीस 1500 से कम होने की शर्त। जी हाँ, अगर आपके इकलौती संतान बेटी है और उसने CBSE स्कूल से 10वीं पास की है तो बोर्ड उसे स्कॉलरशिप देगा। CBSE की ओर से 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इसे बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप का नाम दिया है। वर्ष 2021 में 10वीं पास करने वाली सिंगल गर्ल चाइल्ड 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। आवेदन को स्कूल की ओर से वेरिफिकेशन करते हुए इसकी रिपोर्ट CBSE को देनी होगी। स्कूल 31 दिसंबर से 25 जनवरी तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कॉलरशिप के लिए वही एलिजिबल है जो CBSE स्कूल से 10वीं पास करके 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रही छात्रा जो इकलौती संतान हो। 10वीं में 60% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रा स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। उस छात्रा को लाभ मिलेगा जिसकी ट्यूशन फीस हर माह 1500 रुपए से अधिक ना हो। 11वीं 12वीं कक्षा में इसमें 10% बढ़ोतरी के साथ स्कॉलरशिप मिलेगी। एक वर्ष बाद स्कॉलरशिप को रिन्यू किया जाएगा जब छात्रा 11वीं में 50% अंक के साथ 12वीं में जाएगी। आज के लिए आपका सवाल बताया कि बिहार में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।